हाय, आई एम साक्षी। वेलकम टू आवर चैनल, जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। जैसा कि आपको बताते चले कि बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान की फिल्म राधे ईद के दिन रिलीज हुई है। हालांकि ओटीटी पर रिलीज हुई फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यू नहीं मिले हैं। इस बीच एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान ने एक्टर की आलोचना की है। लगता है ये बात सलमान खान को पसंद नहीं है, तभी तो उन्होंने अब बड़ा कदम उठाया है। सलमान खान ने कमाल आर खान पर मानहानि का केस दर्ज कराया है। सलमान खान के इस एक्शन के बाद कमाल राशिद खान ने फिर एक ट्वीट कर एक्टर की क्लास लगाई है। दरअसल कमाल आर खान पर आरोप है कि उन्होंने राधे का जो रिव्यू दिया है उसमें उन्होंने फिल्म की छवि खराब की है। जब उन्होंने सलमान की फिल्म को दुबई देखा तो उसके बाद केआरके ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें इस फिल्म को इतना ख़राब बताया था कि वो इंटरवल के बाद इसे देखने अंदर नहीं जा पा रहे थे और रो भी रहे थे। खुद कमाल खान ने इस मुकदमे की जानकारी ट्वीट कर दी। कमाल ने ट्वीट किया, सलमान खान ने राधे की समीक्षा के लिए मेरे खिलाफ मानहानि का मामला दाखिल किया है। मिले नोटिस के अनुसार सलमान खान की लीगल टीम शहर की एक अदालत के अतिरिक्त स्तर न्यायाधीश के समक्ष मामले की तत्काल सुनवाई के लिए अपील करेगी। बताते चले कि कमाल ने सलमान की राधे की रिलीज से पहले ही उनके खिलाफ ट्वीट करना शुरू कर दिया था। उनका कहना था कि राधे फ्लॉप हो जाएगी। कई बार कमाल ने सलमान की फिल्म को फ्लॉप ही बताया। आपको बता दें कि केआरके पिछले लंबे वक्त से सलमान खान को फ्लॉप एक्टर बताते हुए इस तरह के वीडियो डालते रहते हैं जिसमें कहा जाता है कि सलमान की फिल्में खराब होती हैं और वो काफ़ी बार उकसाने वाले ट्वीट्स भी करते रहते हैं। अब केआरके के नरम पड़े तेवर के बाद देखना होगा कि सलमान खान का क्या एक्शन होता है। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।